आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस सांभर वड़ी, जिसके लिए मैं सबसे पहले उसके लिए आटा गूंथ रही हूँ। ये मैदा है जो मैंने 1 से 1.5 कप लिया है। इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और ये कुछ अजवाइन है जिसे क्रश करके डाला है, और मैं मोयन के लिए इसमें ऑयल डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच। अब इसे हम पानी के साथ गूंथ लेंगे। ये हमारा देखिए आटा मैदा जो लगाया हमने रेडी हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो सके। अब मैं इसका मसाला बनाने जा रही हूँ सांभर वड़ी का, जिसके लिए मैंने ये ऑयल गर्म होने रखा है। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, साथ ही मैं थोड़ी सी सौंफ, ये क्रश करा हुआ खड़ा धनिया है और कुछ तिल्ली, इनको थोड़ा सा हम मिक्स होने देंगे। मैं ये सांभर वड़ी थोड़ी शाही बना रही हूँ, इसके लिए मैंने एक काजू कुछ कट करके रखे हैं ये डाल रही हूँ, साथ ही मैं कुछ किशमिश और ये किसा हुआ नारियल, इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ ही मैंने ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है ये डाला है। देखिए थोड़ा गुलाबी हो गया, इसमें मैं हींग डाल रही हूँ। हींग में थोड़ा अखरी मिर्च डालती हूँ ताकि ये जले ना, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आए। और साथ ही मैं कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक डालूँगी और ये मसाले हैं बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्ची, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। इसमें मैं ये हरा धनिया है जिसको मैंने कट करके धोकर इसे डाल रही हूँ मैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है, ये पक भी चुका है। अब इसके अंदर ये बेसन है जिसे मैंने सूखा ही बिना ऑयल के भून रखा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और आधी चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ और साथ में इसमें खसखस ज़रूर डलती है, तो मैं खसखस और ये सूखा नारियल दोनों चीज़ इसमें डालूँगी। ये दिखने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। देखिए जो हमने आटा गूंथ रखा था मैदे का, उसे हमने ये पेड़ा कट किया है। अब इसे हम पूड़ी के शेप में अच्छे से पतली सी बेल लेंगे। देखिए अगर आपका गोल शेप नहीं आता है तो आप इसे कोई भी बर्तन से ऐसे कट कर सकते हैं, जिससे ये एक परफेक्ट शेप आ जाएगा इसमें गोल सा। और आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो आप डायरेक्ट बनाइए। ये देखिए हमारा गोल सी पूड़ी रेडी हो गई है, अब इसे हम भरेंगे। देखिए इस पूड़ी में अब हम मसाला फिल करेंगे। ये देखिए मैं आपको आज 2 तरीके से बताऊँगी कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। काफ़ी अच्छे से इसमें मसाला फिल करेंगे।
देखिए अब हमारा ये मसाला ऐसा होने से इसको स्क्वायर सा शेप देना है, और अब हमें इसे एक तरफ से ऐसा पलटेंगे और यहाँ पर हम पानी लगाएंगे जिससे काफ़ी अच्छे से चिपक जाए और ये तलने पे खुले ना। दूसरी तरफ से इसे पैक कर देंगे। अब इस कॉर्नर पे भी हम पानी लगाएंगे और इसे पैक कर देंगे। ये हमारी समर बड़ी रेडी है। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिसके लिए ये हम धीरे धीरे इसे कट करेंगे। आप चाकू से या किसी भी चीज़ से इसे कट कर सकते हैं, आपको कॉर्नर तक कट नहीं करना है। देखिए जो इसके कॉर्नर कॉर्नर हमने छोड़े थे उस पर हम पानी लगाएंगे चारों तरफ कॉर्नर में। अब इसके ऊपर हम एक दूसरी पूड़ी बिल्कुल इसी के नाप की इसके ऊपर हम पैक कर देंगे। पानी लगाने से एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगी। अब इसके ऊपर हम मसाला फिल करेंगे, जिस तरीके से हमने उसे पैक किया था इसे भी वैसे ही पैक कर देंगे।